दोस्तों आपके हाथ में मैं ऐसा एक फोन दूं जिसके पीछे लगा हुआ हो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा, और मैं आपको बोलूं इस फोन का प्राइस 10,000 है, क्या आप मान लेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आज मैं इसी फोन के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, सही पकड़ा, मैं रेडमी नोट 7 के बारे में बात करूंगा जो आज ही लॉन्च हुआ है चाइना में, जिसका जो एक्साइटिंग फीचर्स है वो आज इस वीडियो में मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज लेकर आने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज दे दूं कि रेडमी जो शाओमी का एक सीरीज होता था वो अभी इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गया है। जी हाँ, रेडमी अभी शाओमी के अंडर नहीं है, वो एक्चुअली शाओमी का एक सब ब्रांड हो गया है। वो इंडिपेंडेंटली अभी अपना फोन लॉन्च करेगा, और इसमें सबसे पहला जो फोन है वो रेडमी नोट 7 ही है, और जिसमें आपको अगर लोगो दिखा जाए वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रेडमी बाय शाओमी। जी हाँ, जैसे शाओमी का पोको एक सब ब्रांड है, अभी रेडमी भी सब ब्रांड हो गया है। तो अब आता हूँ मुद्दे की बात पे। रेडमी का जो फोन है, जो फास्ट फोन है रेडमी नोट 7, वो एक्साइटिंग प्राइस के साथ, एक्साइटिंग फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है चाइना में, जिसका अगर हाईलाइटेड फीचर्स पे बात करें वो तो मैं बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ शुरू से, यानी डिस्प्ले से। इसका अगर डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो आता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो आता है 450 निट्स ब्राइटनेस के साथ। उसके साथ ही इस फोन के सामने और पीछे 2.5D ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, और इस फोन को और भी मजबूत बना देता है इसका गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो अगर डिजाइन की बात करें, इस फोन का डिजाइन भी बढ़िया है, और सामने और पीछे आपको ग्लास का प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और भी फोन को मजबूत बना देता है। और डिस्प्ले के ऊपर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है उसके साथ ही, और ये फोन आपको 3 कलर वेरिएंट पे मिल जाता है, जो है ट्विलाइट गोल्ड, फैंटेसी ब्लू और ब्राइट ब्लैक। अभी अगर फोन की मेन हाईलाइट यानी कैमरा की बात किया जाए, तो पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सैमसंग ISOCELL GM1 का सेंसर मिल जाता है, और उसके साथ ही जो सेकेंडरी कैमरा दिया गया है वो है 5 मेगापिक्सल का, और उसके साथ ही आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, और उसके साथ आपको मिलता है मोनोक्रोम बेस्ड डुअल LED फ्लैश। तो पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है, जो आता है 1.8 एपर्चर के साथ, दोनों ही जो कैमरा है दोनों ही AI बेस्ड कैमरा है, और उसके साथ ही अगर फ्रंट कैमरा की बात किया जाए, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का AI बेस्ड कैमरा मिलता है, जिसमें आपको पोर्ट्रेट शॉट का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर मैं इस फोन की बैटरी की बात करूं, जिसमें आपको 4000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो आता है क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट के साथ, क्योंकि फोन में दिया गया है UFC टाइप सी का सपोर्ट, जिसके जरिए आप फोन को जल्दी से चार्ज कर पाएंगे। तो इन द बॉक्स आपको 10 वाट का ही चार्जर मिल जाता है। अगर आप फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको 18 वाट का जो चार्जर है वो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। अगर मैं फोन की प्रोसेसर की बात करूं, इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 660 SoC, जो काम करता है 2.2 GHz के साथ, जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है। और इसमें जो प्राइस रखा गया है इस फोन को, इस फोन के प्राइस के हिसाब से ये एक बेस्ट प्रोसेसर मैं मानता हूँ। और इसके साथ ही इसमें जो ग्राफिक्स दिया गया है, जो है एड्रेनो का 512। अगर सिम सपोर्ट की बात किया जाए, इसमें आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो एक बढ़िया बात मैं समझता हूँ। इस फोन के अगर मैं रैम की बात करूँ, ये आपको 3GB, 4GB और 6GB रैम वेरियंट में मिल जाता है। 3GB वाला रैम वेरियंट में आपको 32GB का इंटरनल मेमोरी मिल जाता है। अगर आप 6GB रैम वेरियंट में जाते हैं, उसमें भी आपको 64 इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ ही आप एक्सटर्नल अगर मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उसमें आपको 256 GB तक आप इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। अभी बात करता हूँ कि फ़ोन के प्राइस के बारे में, जो आपको शॉक कर देगा, इसलिए क्योंकि 48 मेगापिक्सल का पीछे जो कैमरा वाला फ़ोन है वो आपको मिलता है सिर्फ कितने प्राइस में, जी हाँ, 999 yuan, यानी चाइनीज रुपीस के हिसाब से अगर इंडियन रुपीस को में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग आपको रफली 10,300 रुपये के अंदर ये फोन आपको मिल जाता है। सो 10,300 रुपये में आप सोच सकते हैं आपको 3GB रैम वेरियंट के साथ, 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलता है, उसके साथ ही एक प्रीमियम लुकिंग वाला स्मार्टफोन, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 SoC आपको देखने को मिलता है, 4000 mAh की बिग बैटरी भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल एक कॉम्प्लीट पैकेज आप कह सकते हैं, कोई भी खामियां इस फोन में मुझे नहीं लगता कि है। उसके साथ ही क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट, जिसमें UFC टाइप सी और भी फोन को बढ़िया बना देता है। और इसके साथ ही अगर आप ज्यादा रैम वेरिएंट पे जाते हैं, यानी 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट, जिसका प्राइस राफली आपको 12,400 रुपये इंडिया रुपीज के अंदर आपको मिल जाता है। और उसके साथ अगर आप
6GB रैम और 64GB रोम वाले वेरियंट में जाते हैं, जिसका प्राइस आपको इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए राफली 14,500 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से रेडमी नोट 7 एक कम्प्लीट पैकेज है, और इंडिया में अगर 10,000 रुपये के आसपास प्राइस रेंज में आपको इस फोन मिल जाता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। Xiaomi का साब ब्रांड Redmi ने यही भी कहा है कि Redmi Note 7 Pro भी जल्दी आने वाला है, और उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सेम कैमरा ही दिखने को मिलेगा, पर सेंसर जो है वो अलग होगा, यानी इसमें आपको सोनी IMX586 सेंसर यूज किया गया है इस फोन में। तो Redmi Note 7 Pro तो बाद में आएगा, सबसे पहले Redmi Note 7 आने वाला है चाइना में, जो आप बाय कर पाएंगे 15 जनवरी से, और इंडिया में जब भी ये फोन आएगा मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये गुड न्यूज पहुंचे। और जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन है वो तो आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जो घंटी है यानी बेल आइकॉन है उसमें जरूर क्लिक करना है, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगले वीडियो में और एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मैं आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।